हेलो स्टूडेंट्स, सो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? आप पहले मेरी डेफिनेशन समझ लीजिए, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है? सपोज करिए एक रीजन है, ओके, यहां पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। किसके कारण प्रेजेंट है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न, हमें उससे मतलब नहीं है। बस हमको तो ये पता है कि यहां पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके? अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आए, टेस्ट चार्ज जिसको हम कहते हैं, वैसे तो इसको मैं कायदे से ऐसा लिखना चाहिए, प्लस वन। क्यों? क्योंकि यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड वन है, पॉजिटिव है, तो एक जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, फिजिक्स में जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। जब भी हमको कोई डेफिनेशन देनी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज का नाम लेकर उसको डिफाइन करते हैं। यहां पर भी हमने वही करा है। हमने क्या बोला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, सपोज करिए ये यहां पर रख दिया और अब आपने इसको छोड़ दिया, या ऐसे मान लो कि आप इस चार्ज को इंक में डुबो कर लेकर आए, ठीक है, और आपने इसको छोड़ दिया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जिस तरीके से मूव करेगा फ्रीली, है ना, सपोज करिए ये मूव कर रहा है ऐसे और वो इंक पीछे से वो लाइन बनाती हुई जा रही है ना, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा होता नहीं है, कोई चार्ज इंक में डुबा के नहीं लाते हम लोग, सिर्फ एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा होता तो ये कुछ ऐसा दिखा रहा होता एक्सप्रेशन, या कुछ ये इस तरीके से बिहेव कर रहा होता। तो ये जो लाइंस बन रही है ना, ये हमारी फील्ड लाइंस कहलाती है, ठीक है ना। तो फिर से सुना रहा हूं आपको डेफिनेशन, अब आप और अच्छे से समझिए। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको शायद और अच्छे से समझ में आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व्स। तीन वर्ड्स मैंने यूज करे, स्मूथ, स्मूथ का मतलब बीच में कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस है ना, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये पूरा एक कंटिन्यूअस चला जा रहा है। इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब हमने माना है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है कहीं पर कि हम खड़े हैं और देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये हमारे से अजम्पशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्मूथ इमेजिनरी कर्व, कर्व आपको दिख ही रहा है, ठीक है, विच आर फॉर्म व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अलाउड टू मूव फ्रीली। फ्रीली वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब आप पकड़ के नहीं घुमा रहे उसको कि चलो तो ऐसे चलना पड़ेगा या ऐसे चलना पड़ेगा, आपने यहां रख दिया और छोड़ दिया। अब ये अपने हिसाब से जैसे भी मूव करेगा ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देगा, ठीक है ना। तो अलाउड टू मूव फ्रीली अंडर या इन सम एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है हम वहां की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि सर पता ही नहीं है क्या चल रहा है, बस हम लोग उसको रट के बैठे हुए हैं। तो ये उसका एक आप एस्पेक्ट समझ सकते हैं, मैंने कोशिश करी है कि आपको वो क्लियरली समझ में आए कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। नाउ हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। प्रॉपर्टी नंबर वन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखेंगी और नेगेटिव में जाती हुई दिखेंगी। अभी हम डायग्राम बनाएंगे इसके सभी के, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल होती जाएंगी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज,
दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड कर्व्स नहीं बनाती. क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या है, यहां से चले और यहां पर क्लोज कर्व, या फिर आप इसको चाहे तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज कर्व लिख सकते हैं, या फिर आप इसको लूप भी लिख सकते हैं. लूप का मतलब क्या होता है, जहां से चले आप वहीं पर आ गए. पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता है. अभी जब हम दो तीन चैप्टर के बाद मैग्नेटिक पढ़ रहे होंगे तब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे. बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि 80% जो उसकी थ्योरी है वो बिल्कुल इससे ही मैच करेगी. कुछ फर्क आएंगे, जैसे एक फर्क यहां पर और वहां पर ये होगा कि यहां पर दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. जब हम वहां पढ़ेंगे तो हम वहां लिखेंगे दे फॉर्म क्लोज लूप. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे फॉर्म क्लोज लूप. आउटसाइड इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है. तो कुल मिलाकर वो पूरा एक क्लोज लूप बन जाता है. पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है. सो इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. थर्ड वन, ठीक है, दे आर क्लोजर, और इसको आप डेंसर लिख सकते हैं, डेंसर नियर द चार्ज. ये सारी प्रॉपर्टी अभी हम जब डायग्राम्स बनाएंगे सारी प्रॉपर्टी आपको मैं फिर से बोल के समझाऊंगा कि देखिए अपन ने जो लिखी थी उसका मतलब ये है. अभी जस्ट मैं नोट करवा रहा हूं कि दे आर क्लोजर और डेंसर नियर द चार्ज, ठीक है ना. चार्ज के पास में आप देखेंगे कि पास पास में लाइन्स दिखेंगी आपको, ठीक है. चार्ज से जैसे दूर जाएंगे ये लाइन छोटी छोटी होती जाएंगी, ओके. इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. फिर नंबर ऑफ लाइंस इन अ रीजन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. जिस रीजन में जितनी ज्यादा लाइंस निकल रही होंगी एक पर्टिकुलर रीजन में, आप बता सकते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए एक रीजन है जिसमें से चार लाइंस पास हो रही हैं और एक और रीजन है जिसमें से दो लाइंस पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना. तो आप बोलोगे कि ये रीजन ज्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है और ये रीजन कम स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, ओके. हम लोग समझेंगे इसको भी. सो इसके बाद जो नेक्स्ट है, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे. अगर नहीं नोट करें तो अभी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपके जो प्रॉपर्टीज हमको लिख रहे हैं. सो द नेक्स्ट वन इज दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर. इनफैक्ट मुझे इसको ना एक पहले एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखवाता हूं, उसके बाद इस पे आते हैं. पहले पर लिखते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या मतलब है इसका, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि एक कर्व है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है. आपको पता करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. तो आप कुछ मत करो, इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो कुछ ऐसे. तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी. सपोज अगर इधर निकालना है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दीजिए, थोड़ा टच करते हुए ले जाइए ऐसे. सो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है. तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दीजिए, ठीक है ना. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड
की डायरेक्शन से क्या पता पड़ेगा कि अगर चार्ज यहां रख दिया ना आपने लाके यहां रख दिया तो ये इधर जाएगा, इधर रख दिया तो फिर ये इधर जाएगा, है ना, ऐसा गोल गोल नहीं घूम रहा होगा, इधर रख दिया तो फिर वो इधर जाएगा अगर रेस्ट पर आपने रखा है तो, पहले से मूव कर रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसकी कुछ और ट्रेजेक्ट्री होगी, अदरवाइज अगर आपने यहां पे लाके रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस डायरेक्शन में पुश करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। ओके, नाउ अब हम उस प्रॉपर्टी पे आते हैं जो मैंने लिखी अभी मिटाई थी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि दो फील्ड लाइंस, ऐसा नहीं एक फील्ड लाइन होती, बहुत सारी होती है, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं कहीं पर भी। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, सपोज करिए इस पॉइंट की बात कर लेते हैं जहां पे ये काट, अगर मैं इस कर्व को देखूं, अगर मैं इस वाले इसको नाम दे देते हैं, चलिए ये मेरा ए कर्व है, ये मेरा बी कर्व है, ठीक है, अगर मैं बी कर्व को देखूं और ए को भूल जाऊं भी, तो इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो वो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी, और अगर ए कर्व को देखूं, ए के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब अभी मैंने समझाया था कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का या यहां पर टेंजेंट डालने का, कि अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलाके यहां पर रख दिया तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई इससे पहले जब मैंने एक लाइन बनाई थी तब तो उसको क्लियर था कि वो जिस डायरेक्शन में जाना, जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंट थी, लेकिन यहां पर आकर ना वो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों कहेगा भाई साहब अपने को ए के पास जाना है कि बी के पास जाना है, क्योंकि अपने पास दो रास्ते हैं, या तो आप इधर चले जाओ या फिर आप इधर चले जाओ, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ना, आप जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको धर्म संकट में नहीं डाल सकते हैं, उसको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से निकल के आया है कि अगर आपने इन फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया तो फिर यहां पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे, और जब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको किसको चूज करना है, दैट इज वाई ये एक्चुअली में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और कोई पूछता है कि क्यों, क्यों, तो आप बोल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है वहां पे आप टेंजेंट डालेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स के अंदर से पास नहीं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो रही है, इट मींस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होता है, ठीक है ना, कोई भी कंडक्टर अगर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं है, तो फिर वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे चलकर आएगा वो टॉपिक भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स, इसको आप याद रखिएगा। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बेसिकली क्या होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके इलेक्ट्रिक फील्ड सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, तो उनको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन पे आपको हाई प्रिसिशन एक्यूरेसी की जरूरत होती है, आप नहीं चाहते कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से डिस्टर्ब हो, तो उनको आप क्या करते हो, कंडक्टर के अंदर स्टोर करके रखते हो। क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है भाई, सपोज करिए ये एक कंडक्टर है ना, कैसा भी हो सकता है, मैं मान लेता हूं सपोज करिए एक बॉक्स है, मेटलिक बॉक्स है, ओके, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगी उससे बाहर तक रहेंगी, अंदर पास नहीं होंगी, या फिर इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होंगी। अब आपके पास कोई एक डिवाइस है,
जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में चार्जेस तो रहती है, आपको दिखते नहीं है, तो क्या वो चार्जेस तो रहते हैं, वो अपना एक फील्ड जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसके कारण जो हमारे सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप उनको इसके अंदर प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं जो भी आपको रखना होता है, ठीक है ना। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ये इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जो कि मैंने कोशिश करी है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाए। आई होप आपको ये समझ में भी आई होगी। अब हम जो नेक्स्ट इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फील्ड लाइन्स का ही पार्ट है कि अब हम फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, है ना। अभी हमने जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं उनके आधार पर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करेंगे फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, ठीक है, समझते हैं। जैसे सबसे पहला फर्स्ट केस मान लेते हैं, व्हेन ओनली वन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिखा है मैंने, व्हेन ओनली वन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट, तब कैसा बनेगा, देख लो। जैसे सपोज करिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो याद रखिएगा हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती है, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना, उस टाइप से। और एरो हमेशा बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा, इसको कहते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। और हम जानते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, पहली प्रॉपर्टी इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, पर यहां पर आधी लग पा रही है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही नहीं, टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो ये ओरिजिनेट तो हो जाएंगी पर हम ये मानेंगे ये इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट होंगी, या इन्फिनिटी को नेगेटिव चार्ज इनका इंतजार कर रहा होगा, वहां जाके टर्मिनेट होंगी, अदरवाइज आप ये मान सकते हैं कि ये लाइन सीधी सीधी इन्फिनिटी पे जा रही है, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोइंग टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। अच्छा, मेरे पास तो ये व्हाइट बोर्ड है तो मैं यहीं पर सब एडिट कर दूंगा, हल्के हल मिटा दूंगा, आप जरूर इसको फिर से ड्रॉ कीजिएगा। सेकेंड केस है, व्हेन ओनली वन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक नेगेटिव साइन डाल दूंगा, और ये जो एरो है ना, इन एरो को बस मैं उल्टा कर दूंगा। अब ये एरो अंदर की तरफ आते हुए देखेंगे आप रेडियली इनवर्ड्स, लीजिए ये आपका सेकंड केस हो गया, व्हेन ओनली वन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस प्रेजेंट, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वैसी बनेगी, क्यों, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी का आधा पार्ट, जो पीछे वाला पार्ट है, इट टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाएंगी, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएंगी, तो यहां पर खत्म हो गई। पर आप पूछ सकते हो सर ये ओरिजिन कहां है इसका, ओरिजिनेट कहां से हुई थी, मान के चलिए इन्फिनिटी से आ रही है, हमको नहीं पता, जब हमको कुछ पता ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज के बारे में, कोई जानकारी नहीं है, तो फिर हम कैसे बता सकते हैं। तो आप ये अज्यूम करके चलेंगे ये रेज जो है, ये जो लाइंस हैं, ये सारी इन्फिनिटी से आ रही हैं और यहां पर जाकर टर्मिनेट हो रही है, ठीक है ना। थर्ड जो इसका केस है वो मैं बनाऊंगा, इसको मिटा देता हूं ना। थर्ड इज When one positive and one negative point charges are present,
जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों चीजें आ गई तुम्हारे पास में, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो पहली जो डेफिनेशन है, पहली जो मतलब प्रॉपर्टी है पूरी फुलफिल होने वाली है। देख बना देते, ये सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और एक नहीं होंगी बहुत सारी होंगी। अच्छा डायग्राम में थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे को कटती हुई ना दिखे, क्योंकि वो आपको पता है ना हमने लिखी है प्रॉपर्टी, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। और भी बहुत सारी बन सकती हैं, जैसे ये निकलती हुई दिख रही है, एक ये भी जा रही होगी, दिखेंगे यहां पर, ये क्या है। अब भाई हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अच्छा एक ये भी तो है, हमारे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सारी लाइंस बनाकर दिखा दें, है ना। तो हमने एक दो लाइंस ड्रॉ कर दी, बाकी सारी हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये आगे चल के ऐसे कहीं ऐसे करके ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे जा रही है इंफिनिटी भी जाएगी और वहां से एक नई इंफिनिटी से ये लौट के आ रही होगी। जो हमने पहले दो केस पढ़े थे उनका यहाँ पे आपको ये दिख सकता है कि उनका यूज किया गया है, ऐसे ही यहां से जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नीचे भी आ रहा होगा। सो दीज आर सम ऑफ द लाइंस, ये मैंने इसका ड्रॉ कराया व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट। अच्छा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी क्या, कि द फील्ड लाइन्स आर क्लोजर नियर द चार्ज। देखिए चार्ज के पास में कितनी सारी लाइन्स है, एक दो तीन चार पांच छह, है ना, लेकिन आप दूर चले जाओ यहां पर सिर्फ दो दिख रही हैं। तो चार्ज के पास में ये जो फील्ड लाइन्स हैं ये काफी पास पास हैं, काफी डेंस हैं। फिर मैंने एक प्रॉपर्टी और लिखवाई थी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग इन अ रीजन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी स्ट्रांग होगा, और हम जानते भी ये चीज, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी स्ट्रांग होता है। आप जैसे जैसे दूर जाते जाते हो उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फीबल होता जाता है, कम होता जाता है। सो दिस इज माई थर्ड केस। नाउ द नेक्स्ट केस इज when two positive point when two positive point charges are present। ये आपका थर्ड केस, नहीं थर्ड नहीं है फोर्थ केस, ये आपका फोर्थ केस है when two positive point charges are present। तब क्या होगा देख लेते, सपोज करिए एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये रहा, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ये रहा, और एक हम जरा इनके बीच में बॉर्डर बनाना पड़ेगा इस बार, हमको बॉर्डर इसलिए बनाना पड़ेगा पहले बना लेते हैं फिर हम उसको समझते हैं कि कैसे बनाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव से आपको मालूम है निकलेंगी लाइंस और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है, नेगेटिव तो है नहीं तो ये इंफिनिटी तरफ जाएगी, पर अगर ये अकेला होता तो स्ट्रेट लाइंस जा रही होती, पर क्या होगा कि ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो ये जो लाइंस है ना ये निकलती तो स्ट्रेट पर अब ये कुछ ऐसी जाने लगेगी, समझे। लाइक दिस यहां से भी ऐसी सिमेट्रिकल फिगर बनेगा, यहां पर भी ऐसे हो जाएगा, ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेंगे, ये डॉटेड लाइन है ना इसको ये कभी भी टच नहीं करेंगी। जो बिल्कुल सेंटर में है वहां से भी एक लाइन जा रही होगी,
और यहां पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को टोटली न्यूट्रलाइज कर देंगे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। अदरवाइज ये जो है ये आपका डायग्राम बन जाएगा व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट। अगर ये अकेला होता तो आपको मालूम है हमने बना दिया सबसे पहले केस लिया था, पर यहां पर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ओके नाउ द लास्ट केस व्हेन टू नेगेटिव पॉइंट चार्जेस आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? इसमें वही सेम डायग्राम था, मैंने सोचा कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं बार बार उसी में एडिट कर रहा हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ओके फिर से वही दीवार बना देते हैं। नाउ डायग्राम एकदम सेम ऐसा ऐसा यहां पे आती हुई दिख रही होगी। अब बस एरो चेंज हो जाएंगे, ये जो एरो है ये सारे नेगेटिव की तरफ आते हुए दिखने लगेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। तो ये हमारे सारे पॉसिबल केसेस थे। ओके तो हमने कौन कौन से केसेस पढ़े थे? व्हेन ओनली वन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्रेजेंट, वन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, फिर उनका कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और ये लास्ट केस फिफ्थ केस जब दो नेगेटिव चार्जेस आपके प्रेजेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड उनके जो डायग्राम्स हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर उनके आंसर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।